हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बनाएंगे सिर्फ 2 मिनट में बनने वाली एक चटपटी जायकेदार सब्जी, जो हम बनाएंगे पक्के केले से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है और इसे कैसे बनाना है। पक्के केले की सब्जी बनाने के लिए हमने लिए हैं चारों मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा और लाल मिर्च का पाउडर। नमक तो है ही, और केले की सब्जी में केला भी होगा, और साथ में है चीनी और सौंफ, और सब्जी बनाने के लिए ऑयल और थोड़ा सा पानी। तो सबसे पहले हमने एक पक्का केला लिया, उसके छोटे पीस कर लिए, और यहीं पर इसमें हम 1 टीस्पून चीनी मिला देते हैं और थोड़ी सी सौंफ मिला देते हैं, 1/2 टीस्पून। हमने अपना स्टोव ऑन कर दिया है। अब हम पैन में 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे, 1/2 टीस्पून। उसके बाद इसमें जीरा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर दिया है, वो तड़कने भी लगा है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, और अब पानी डाल देंगे थोड़ा सा। अब 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट एज पर टेस्ट, एक बार मिला लीजिए। पानी में बॉईल आ गया है, मसाला अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें केला डाल देते हैं। ध्यान रखिए, केला हम लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि केला पहले से ही पका हुआ है। अगर हम केला पहले डाल देंगे तो वो गल जाएगा। अब ये मसाला अच्छे से केले में कोट हो जाएगा, आप मिक्स कर लीजिए एक बार। स्टोव हमने ऑफ कर लिया है, मसाला अच्छे से कोट हो चुका है केलों पर। फ्रेंड्स, हमने अपने पके केले की सब्जी को बॉल में निकाल लिया है। आपने देख ही लिया है ये 2 मिनट मैगी से भी कितनी जल्दी बन गई है, और ये खाने में काफ़ी टेस्टी है। हम लोग इसे गर्मा गर्म अजवाइन के पराठों के साथ खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। आप भी इस चटपटी सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको आज हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार हम फिर से आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, बाय।